विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत क्षेत्रीय मंत्री प्रदीप पांडे ने बताया कि गोरक्ष प्रांत में जितने भी धार्मिक और पवित्र स्थल हैं और जो भी पवित्र नदियां हैं उसका जल और मिट्टी विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत से अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए जा रहा है, जहां 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत से भी प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि इस कोरोना महामारी में सब लोग वहां नहीं जा सकते हैं, जिनको देखते हुए गोरक्ष प्रांत से गोरखनाथ मंदिर की मिट्टी और कुशीनगर से भगवान बुद्ध के स्थान, देवरिया से देवरवा बाबा के स्थान से और बलिया से भृगु ऋषि के आश्रम, संत कबीर नगर में कबीर के स्थल की मिट्टी और आसपास बहने वाली पवित्र नदियों के जल को लेकर अयोध्या जा रहे हैं और 5 अगस्त को मंदिरों में रामायण पाठ और शाम को अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे और राम मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत क्षेत्रीय मंत्री प्रदीप पांडे ने कहा, अरे मूर्ति अच्छी जैसे ना है भगवान की जय। प्रदीप पांडे, प्रांत संगठन मंत्री, गोरक्ष प्रांत, विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर। आज जो है इस गोरक्ष प्रांत में जो भी प्रमुख स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं और जो भी पवित्र नदियां हैं, उन नदियों के जल और पवित्र स्थलों की पवित्र रज मिट्टी आज गोरक्ष प्रांत से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया जा रहा है और यह जो है राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होने का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा 5 अगस्त को, उस 5 अगस्त को यहाँ के भी गोरक्ष प्रांत के सभी लोगों का जुड़ाव और लगाव, उनका प्रतिनिधित्व हो, इसके निमित्त यहाँ से यह जो है प्रस्थान आज किया जा रहा है। क्योंकि देश भर में गोरक्ष प्रांत में गुरु गोरक्षनाथ की तपस्थली गुरु गोरखनाथ मंदिर, कुशीनगर में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली भगवान कुशीनगर से और जो है देवरिया में मईल स्थान है, देवराहा बाबा का पूज्य देवराहा बाबा का आश्रम उनके स्थान का रज, और बलिया में भृगु ऋषि महर्षि भृगु ऋषि का आश्रम है उनके स्थान का रज, और संत कबीर नगर में कबीर मठ है हम सब जानते हैं वहाँ का पवित्र रज, और कई ऐसे पवित्र नदियों का जल आज यहाँ से प्रस्थान किया जा रहा है और उन उन जिले के संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व इन पवित्र रज के माध्यम से और पवित्र जल के माध्यम से होगा, ऐसा मान करके विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत ने संपूर्ण समाज से यह आह्वान करते हुए कि उस दिन जो है 5 अगस्त के दिन भूमि पूजन के समय हम अपने अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन का कार्यक्रम करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सब लोग वहां जा नहीं सकते और यहां भी रह करके एक मर्यादा में रहना है, उस मर्यादा में रहते हुए भजन कीर्तन सुंदरकांड का पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे और सायंकाल अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलन करके भगवान की आरती करेंगे, ऐसा जो है आग्रह करते हुए विश्व हिंदू परिषद गोरख प्रांत का यह प्रतिनिधि मंडल आज जो है अयोध्या लेकर के इस पवित्र रज और जल को जा रहा है और वहां से वापस आने के बाद 5 तारीख को अपने अपने घरों में सभी हिंदू समाज के लोग यह कार्यक्रम करेंगे, आरती प्रसाद वितरण का काम दीप प्रज्वलन का काम, यही आज के इस कार्यक्रम का निमित्त है।